जिस तरह आज मेरे पास है इन लिपस्टिक्स की वैरायटी, सब एक दूसरे से अलग लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ। उसी तरह है हमारे पांड्या स्टोर के घर वाले जो हर सिचुएशन में देते हैं एक दूसरे का साथ। तो कौन सी नई सिचुएशन का सामना कर रहे हैं ये सब लेकर चलते हैं आपको पांड्या स्टोर के घर वालों के पास। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में पांड्या हाउस में फिर से हो गई है श्वेता की एंट्री, लेकिन इस बार श्वेता अकेली नहीं बल्कि ऋषिता और देव की बिटिया रानी चुटकी के साथ आई है। भाई चुटकी ने घर पर एंट्री क्या मारी, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। आफ्टर ऑल 7 साल बाद उनकी मुलाकात चुटकी से जो हो रही है। एक्चुअली मेरे लिए वही इमोशन था जैसे मैं 1.5 महीने बाद अपनी बेटी से मिलने जाता हूँ, तो वही इमोशन आई थिंक मैंने पोर्ट्रे किया जब मैंने पहली बार उसको देखा। कि जब हम देखते हैं कि हमारी बच्ची को 7 साल बाद हम देख रहे हैं, श्वेता उसे लेके आती है, तो डेफिनेटली बिकॉज बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था जहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए परेशान थे, जहाँ बच्ची गायब हो गई थी, सब चीज़ थी, तो आपको नहीं पता था वो किस कंडीशन में है, क्या है, कैसी है, और पहली बार उसकी फेस आपको जब देखते हो, तो वो सब चीजें आज सीन में हुई। ऋषिता ही नहीं बल्कि देव का भी मन करता है कि अपनी बेटी को सीने से लगा ले, लेकिन धारा सभी को मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सही समय नहीं है चुटकी को सच बताने का। यार ये प्लान तो भाभी बताएंगी, क्योंकि मैंने तो बोल रहा था हम बता देंगे सीधा, हम तेरे माँ बाप है। भाभी बोलती नहीं 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 बताना। क्यों नहीं बताना भाभी? क्योंकि यार 7 साल से वो किसी और को अपनी माँ, तू 7 साल से किसी के साथ रह रहा है और सडनली तेरे को आके बोलेंगे ये तुम्हारी माँ नहीं है ये है, तो तू मान लेगा? समय अकॉर्डिंग हमारे माँ बाप ने हमें पीटा है ना, मैं तो मान लेता। तू इकलौती औलाद है सच्ची में। I think सब रिलेट करेंगे। बचपन में ना पेरेंट्स बहुत मारते थे, अभी के पेरेंट्स बहुत ऐसे हो चुके हैं। पहले तो आते ही धमाधम होमवर्क नहीं किया पट पटा बट, तो तब तो लगता था कि हम अडॉप्टेड है, कहीं से उठा के लेके आए। पहले बोलते थे जब मार्क्स कम आते थे बोलते ना कूड़ेदान से उठा के लाए, तब हमें लगता था कि हम अडॉप्टेड है। तुम अडॉप्टेड हो, तुम्हें कूड़ेदान से उठा के लाए, तुम वहाँ पड़े मिले थे समुन्द्र के किनारे से उठा के लाए तुम हमारी, फिर हम रोते थे। हाँ तो उस वक्त अगर कोई हमें बोलता 7 साल की उम्र में आके कि तुम्हारे माँ बाप ये नहीं है तो मान जाते। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं उस टाइम पे, भी बच्चों को कितना भी कुछ भी बोल दे माँ बाप ही होते थे उनके बच्चों के। सो दैट्स व्हाट छुटकी के लिए भी यही है, उसके लिए श्वेता चाहे कैसी भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए उसकी माँ है, 7 साल से उसे मम्मा बोलती आई है। तो अब इट्स गोइंग टू बी अ टास्क, आसान तो होगा नहीं कि उसको हम रियलाइज करवाएं, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, मासूम है, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हम अगर उसे बोलेंगे भी ये आपकी मम्मा है, वो कहेगी नहीं ये तो ऋषिता है, तो गंदी आंटी है। बहुत डिफिकल्ट है अपने बच्चे को कन्विंस करना कि बेटा हम तेरे माँ बाप है, ये बहुत कन्विंस आजकल बड़ा मुश्किल काम हो गया। मैं अपने बच्चे से 1.5 महीने में मिलता हूँ ना, बहुत मुश्किल से पहला दिन तो पहचानने में लग जाता है वापस से। हाँ मतलब मुझे कह रहा था कि भाभी मैं इतने वेकेशन पे गया था और जैसे ही मैंने गप्पू को उठाया मुझे पहचान ही नहीं, मैंने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ। एक्चुअली ये जब लौटा अभी जिम कॉर्बेट से, मैंने कहा गप्पू ने पहचाना क्या था, इस बार पहचान गई। हाँ इस बार पहचान, बिकॉज ऐसे ही बच्चे हैं बहुत मुश्किल से उनका ट्रस्ट जीता जाता है, और जिस तरह से श्वेता ने इतने सालों से उसका ट्रस्ट जीता हुआ है जिस तरह से है, तो और वो हमें फ्लॉन्ट कर रही है ये चीज़ हमारे सामने आके कि वो बच्ची तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगी मुझ पे करेगी, तो ये चीज़ वो दिखा रही है यहाँ पे, और वो हमारे लिए थोड़ा हर्ट है बिकॉज आपकी बच्ची किसी और को माँ बोल रही हो कि तो बड़ा वैसा होता है। वो उनका क्वेश्चन है क्या श्वेता हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी? ऑफ कोर्स रहेगी। श्वेता बताओ तुम रहना चाहोगी पांड्या निवास में? बट तुम धुलाइयां यार ये तो आके बोल रही है तुम गरीब हो, ये लड़की आके बोलती है तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहे। तुझे कैमरा आने दे अब बोल। नहीं बट ऑडियो तो आ रहा है ना। अब बोल। ये लड़की आगे बोलती है कि तुम लोगों का स्टैंडर्ड नहीं, ये नहीं, और आए पैसे लेने हमसे 50 लाख रुपए, ये कौन सा स्टैंडर्ड होता है यार। हाँ मतलब हमको आगे कह रही है बेटा ये तुम लोगों से बात नहीं करेगी, है ना, लो स्टैंडर्ड वाले लोगों से बात नहीं करती। मैंने कहा हमारे घर पे 50 लाख मांगने आई है तू,
हम तेरे को पैसे निकाल के दे रहे हैं, जुगाड़ कर कर के कहीं ना कहीं से, और तू कह रही है हम स्टैंडर्ड नहीं है। वाह बेटा, कलयुग है भाई, सब कलयुग है। अभी अभी हम बस यही बोलना चाहेंगे, जिस तरह से आप हमारे शो को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से देते रहिए, थोड़ी टीआरपी और बढ़ाइए। क्या बोलोगे? यार इन लोगों ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की और मैंने वो कर दी नेशनल टेलीविजन, और बहुत मस्ती भी हुई वैसे आज सीन में। हाँ आज मस्ती भी बहुत हुई हमारे सीन में। ये आदमी को इंटरनेट के अलावा कोई चैन नहीं है, ये आदमी मेरे जो पास बैठा है ना, हमारा जो ये बोल रहा है, इस आदमी ने सीखा है ये मैं, मेरा आपको एडिक्शन क्यों लग गया है? मीम्स भेजते रहते हैं और मैं देखते रहता हूँ। यार ये दोनों ही है ना सच्ची में, मतलब गिल्टी प्लेजर एक दूसरे के। ये पूरा दिन रील्स भेजता रहेगा इंक्लूडिंग मी, ओके, एंड आई विल कीप चेकिंग, आई विल कीप लाफिंग। अच्छा अक्षय, और काफी बार तो बेचारा अपनी दशा भी भेज देता है। लाइफ ऑफ अ मैरिड मैन, यू वांट मी टू से मोर? नो, हाँ हाँ हम बनाते हैं, बट अब इतना ज्यादा नहीं है, बनाता नहीं है। किंशुक को बस दूसरों का देखने में इंटरेस्ट है। He keeps swiping, 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 पता ही नहीं चलता है, और फिर बोलते हैं भाई वो खत्म हो गया कंटेंट, कुछ अच्छा भेजना, देखना है मुझे। ग्राहक हूँ मैं, ग्राहक। नहीं नहीं हम लोग बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, बिकॉज इतना तो आप लोगों को पता है, आपके सामने सुबह से शाम तो यही शूट करते रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। जितना टाइम मिलता है कभी कभी हम लोग साथ में शूट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो हम जानते ही हैं, सास बहू और पेटिया।